संजय सिंह का पासवान को खत, पानी की रिपोर्ट की कॉपी हमें भी दे। मोहन भागवत बोले, सभी को पता साउथ बहुत खराब बात, लेकिन इसे छोड़ते बहुत कम लोग। बेल पे आए सांसदों को स्पीकर की चेतावनी, वापस जाओ वरना होगी कार्रवाई। राजस्थान निकाय चुनाव में नगर परिषद की 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत। कर्नाटक उपचुनाव से पहले ईसी की कार्रवाई, घर से 53 प्रेशर कुकर बरामद। दिल्ली के पानी की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। संजय सिंह ने कहा कि आपने दिल्ली में पानी को लेकर जो जांच करवाई है वो रिपोर्ट हमको भी दी जाए। किस आधार पर और कैसे आपने जांच करवाई है, क्योंकि आप ही के सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अलग राय है। सांसद संजय सिंह का कहना है कि निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाई जाए। संजय सिंह के मुताबिक जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह का बयान है कि उन्होंने भी 20 जगह से पानी का सैंपल लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि दिल्ली का पानी यूरोपियन स्टैंडर्ड से बेहतर है। संजय सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसकी कॉपी तो देनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी झगड़े को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि साउथ बहुत खराब बात है, लेकिन अपने साउथ को बहुत कम लोग छोड़ते हैं। देश का उदाहरण लीजिए या व्यक्तियों का। नागपुर में कार्यक्रम को लेकर संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि सभी मनुष्य जानते हैं कि प्रकृति को नष्ट करने से हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति को नष्ट करने का काम थमा नहीं। सब जानते हैं कि आपस में झगड़ा करने से दोनों की हानि होती है, लेकिन आपस में झगड़ा करने की बात अभी तक बंद नहीं हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी है। लोकसभा में जब हंगामा करते हुए विपक्षी पार्टी के सांसद बेल में आए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें चेतावनी दे दी। ओम बिड़ला ने कहा कि पहले ये परंपरा रही होगी, लेकिन अब सदन में ऐसा नहीं होगा। बेल में आए सांसदों को चेतावनी देते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा, पहले भले ही इस प्रकार का चलन रहा हो, लेकिन अब इस तरीके को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा जारी रहा तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। दरअसल मंगलवार को जब लोकसभा में किसानों को लेकर चर्चा शुरू हुई और सवाल पूछा गया तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अभी चर्चा होने दें। हालांकि चेतावनी के बाद भी सांसदों ने नारेबाजी बंद नहीं की। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान वेल में आए सांसदों ने तानाशाही बंद करो के नारे लगाए। इसके अलावा सांसदों की तरफ से वी वॉन्ट जस्टिस और जवाब दो के नारे लगाए। राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज मंगलवार को जारी है। नगर परिषद की 17 सीटों में से 9 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें 6 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। वहीं 29 नगर पालिका में से 11 पर कांग्रेस और 6 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। राजकीय उदयपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जीती है, तो बीकानेर नगर निगम में बीजेपी आगे है। भरतपुर नगर निगम में बीजेपी आगे, मगर सबसे ज्यादा निर्दलीय आगे चल रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा उपचुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग भी उपचुनाव को लेकर सजग है और उसकी ओर से सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने सोमवार को होसकोट विधानसभा क्षेत्र में घर से 53 प्रेशर कुकर को बरामद किया है। होसकोट विधानसभा क्षेत्र उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां पर अगले महीने दिसंबर के पहले हफ्ते में उपचुनाव होना है। चुनाव प्रचार के बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों को सूचना मिली कि प्रेशर कुकर मतदाताओं के बीच बांटे जाने की तैयारियां चल रही हैं। सूचना मिलने के बाद चुनाव अधिकारियों ने छापा मारा है और घर से 53 प्रेशर कुकर बरामद किए हैं। बता दें कि होसकोट में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है।